तो कैसे हैं आप लोग। सो आज की जो हम वीडियो देखने वाले हैं वो है सम्राट की पाठशाला और वीडियो का नाम है फनी एडवर्टाइजमेंट ऑफ ऑल टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो क्या हाल है, आज हम बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट के उस तरीके की जो कोई एमबीए का इंस्टीट्यूट सिखा नहीं सकता है। मतलब ये वो कला है भाई साहब जो बहुत कम लोगों में पाई जाती है। बेसिकली ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है, काफी कम स्टूडेंट कर पाए, यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट। तो भैया मैंने इस वीडियो को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, तो भाइयों और उनकी मोहल्ले की भाभियों शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके। जय भद्रकाली सरकार, जय भद्रकाली। तो हमारे लिस्ट के पहले पायदान पे आते हैं टीचर्स। मैं उन टीचर्स की बात कर रहा हूँ जो कोचिंग वगैरह में पढ़ाते हैं। भाई साहब इन कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने वो आतंक मचा रखा है ना कि आप पूछो मत। अबे लोगों की जान ही निकाल रखी है यार। ये देखो भानु कोचिंग, हिरोशिमा शहर को जो उड़ा दे उसे परमाणु कहते हैं। गौर फरमाइएगा, हिरोशिमा शहर को जो गिरा दे उसे परमाणु कहते हैं। गधा को भी जो ढाई महीने में पढ़ाकर बैंक का पीओ बना दे उसे भानु कहते हैं। भाई साहब कॉन्फिडेंस देख रहे हो अपने भानु सर का। अबे भगवान ने सारी सिद्धि भानु नाम के लौंडों को ही पकड़ा दिया है क्या? एक भानु यहाँ गधों को पीओ बना रहा है, दूसरा भानु प्रताप बस सर्विस चला के करोड़पति बन गया था। मतलब देखो इस चीज से तुम्हें शिक्षा लेनी चाहिए यार। अगर तुम्हारा कभी फ्यूचर में दिल टूटे, नस बस काट के बकचोदी नहीं करनी है। अगर तुम्हारा दिल टूटे तो तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं, पहला यूपीएससी निकालो और आईएसपीसीएस बन जाओ। अगर इतनी गुर्दों में जान नहीं है तो भैया भानु प्रताप नाम से बस सर्विस चला दो, करोड़पति बन जाओ, सीधी साफ है, जैसे हमारे हीरा ठाकुर ने किया। अब देखो हीरा ठाकुर चाहते तो अपने नस बस काट सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा हटाओ यार दूसरी पटा लूंगा। सॉरी दूसरी तो अपने आप आकर पट गई थी। ऐसी साली किस्मत ही नहीं है अपनी यार, साले कुत्तों की जिंदगी। अगला विज्ञापन, पंकज शर्मा, मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है पंकज शर्मा के टक्कर में। क्या हो रहा है? मतलब देख रहे हो ना, नेक्स्ट लेवल बकचोदी चल रही है। अबे क्या मुशायरा चल रहा है क्या यहाँ? मुझे फिजिक्स पढ़ाने वाले लक्षण लग नहीं रहे किसी के। तुम देख लियो भैया कि क्लास में मुशायरा ही चल रहा हो, कुछ नहीं कह सकते भैया, देश संकट में है। अगला विज्ञापन, तमिलनाडु एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन आप इस बात को सोचो कि जिस दिन लौंडों को पता चला कि हमारे इंस्टीट्यूट की शॉर्ट फॉर्म ये है, अबे उस दिन वहाँ के लौंडों के गुर्दों में से आत्मा बाहर निकल जाएगी। इनसे पूछो जो उस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। अबे हम तो स्कूल में यार लौंडों को चढ़ाते थे यार, टट्टी और हग्गू बोल के। बहुत गलत हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। अगला विज्ञापन, एसके क्लासेस, कुलदीप सर ऐसे पढ़ाते हैं कि गजनी को भी सब याद रहता है। कुलदीप सर, ओ कुलदीप सर, गजनी से आपका क्या तात्पर्य है? मतलब तुम लोग क्या स्टूडेंटों की बॉडी में फिजिक्स के फॉर्मूला टैटू करवा दोगे? एक मिनट, पर गजनी तो विलेन का नाम था ना यार। ये भैंचो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। भाई साहब इसी बीच मुझको एक ऐसा अध्यापक मिला जिसके कॉन्फिडेंस को देखकर मैं उसका पंखा हो गया। मतलब जब मैं फैन हो गया तो समझ लो ना भाई उस बंदे का क्या लेवल रहा होगा। भाई साहब भानु सर, पंकज शर्मा, घातक आईआईटी वाले सब उसके गुर्दों में जाके पानी भरते होंगे। अबे गला काट कंपटीशन चल रहा है यार यहाँ, लोग जीने मरने की बात कर रहे हैं भाई। अगर आपके सोच से 100 गुना ज्यादा अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा तो मुझे किसी चौराहे पे जिंदा जला देना। भैया मुझे लग रहा है आप डर। अब भैया तुम मुझे ये बताओ कौन सा इंस्टीट्यूट है जो ऐसी बकचोदियां पढ़ा रहा है? भैया ये बहुत डिफिकल्ट कोर्स है, मैं बता रहा हूँ। लोगों को चूतिया बनाना भी एक आर्ट है, कला है, रियली जो हर किसी के बस की बात नहीं है। अगली खबर, मैथ से पीड़ित होने से बचें, एम कुमार्स आईआईटी मैथमेटिक्स। वाह भैया वाह, ये तो वही बात हो गई कि शराब हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है, आप इसको पीकर खत्म करें। अब यार मैं मैथ्स के बारे में कुछ ज्यादा बोलना चाहूंगा नहीं, मेरी तो खैर पुरानी दुश्मनी है मैथ्स से। ऐसा नहीं है कि मुझे मैथ पसंद नहीं है, ना ना ऐसी बात ना है, पर शायद मैथ्स को मैं पसंद नहीं हूँ। ताली बैक लग गई थी यार। अगली खबर, माधव मैथमेटिक्स, अगर तुझमें हिम्मत है ना तो मेरा एक क्लास करके मुझे छोड़ कर दिखा। भैया यहाँ तो धमकी चल रही है। भाई साहब आप खुद ही सोचो, जितने भी टीचर है सबका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल है, और बाय चांस आपने अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ करा दिया और आपको इस टाइप के टीचर मिल गए तो भैया अपने बच्चों को इन नटूरे भटूरे वाले टीचरों से बचाओ और उसे एक अच्छा इंसान बनाओ, जनहित में जारी। तो भैया अब हम बात करते हैं डॉक्टर्स की। तो भाई साहब आप डॉक्टर्स को भी कम ना आके, यूं समझ लो कि सबसे ज्यादा अनीति तो डॉक्टर्स ने ही उठाई है। पहला डॉक्टर, गुप्त रोगी मिले शीघ्र पतन,
धात स्वप्न दोष ना ना अभी और है ना मर्दी बे औलाद बवासीर भगंदर शुक्राणु की कमी लिंग का छोटापन पतलापन स्त्रियों के गुप्त रोगी मिले रंग गोरा करें कैंसर का इलाज अबे लिस्ट तो खत्म ही नहीं हो रही। अबे इलाज की लिस्ट देख रहे हो भाई साहब मुझे तो कभी कभी लगता है यही भगवान है। रुको रुको दूसरे डॉक्टर भी देख जाओ। डॉक्टर नंबर 2 सेक्स समस्याएं मर्दों और औरतों के गुप्त रोग सेक्स रोग शादी से पहले या शादी के बाद जबरदस्त मर्दाना ताकत हासिल करें नई ताकत नया जोश फिर से हासिल करें धात पढ़ना स्वप्न दोष नामर्दी शीघ्र पतन रुकावट में कमी जोश में कमी बचपन की गलतियों की वजह से आई कमजोरी को दूर करें। बचपन की गलती ये किन गलतियों की बात चल रही है। छोड़ो छोड़ो आगे बढ़ते हैं। हर उम्र में जबरदस्त मर्दाना ताकत हासिल करें बुढ़ापे में जवानी जैसी ताकत हासिल करें। साला अब समझ में आया कि जितने भी बाबा साहब हैं इनकी जवानी इतनी क्यों फूट रही थी। मैं तो ये सोचता था साला इन लोगों ने ऐसा कौन सा च्यवनप्राश खा लिया कि इनके भीतर की गर्मी खत्म ही नहीं हो रही है और इन डॉक्टरों की लिस्ट अभी खत्म ना हुई है। रुको अभी और है शाही देसी व आयुर्वेदिक दवा खाना मर्दाना ताकत का खजाना। मतलब भाई साहब आप शहर की दीवार अखबार का क्लासिफाइड वाला पेज मेडिकल स्टोर की दीवारें आपको ये हर जगह मिल जाएंगे और इनके अकॉर्डिंग तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश मर्दाना ताकत की कमी से जूझ रहा है। पर जनसंख्या में इतनी बढ़ोतरी हो रही है उसके हिसाब से मुझे लग नहीं रहा यार। पर मुझे यार कोई ये बताओ ये सारे के सारे हॉस्पिटल बस स्टैंड के पीछे क्यों होते हैं। अरे जिसे देखो वो बस स्टैंड के पीछे बुला रहा है। मैं बता रहा हूँ ये बहुत गलत हो रहा है। अब यार वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप लोगों का हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपके इतने प्यार की वजह से हमारा जो गेमिंग चैनल है वो ट्रेंडिंग में आ चुका था तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी तक जिन लोगों ने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो शर्म तो आ नहीं रही होगी तुम लोग को है ना। अरे देख क्या रहे हो यार सब्सक्राइब मारो भाई उस चैनल को। भाई की इज्जत का सवाल है। भाई साहब जिसने भी मेरा गेमिंग चैनल सम्राट हब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना सच बता रहा हूँ ऐसा मंत्र फूंक के मारूंगा कि गर्लफ्रेंड के सामने जाता ही नन्नू मूंगफली बन जाएगा। सोच लो बाकी तुम खुद ही समझदार हो। देख क्या रहे हो यार सब्सक्राइब मारो। और जंगली रमी की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आप रमी खेलने में इंटरेस्टेड हैं या आप खेलना आता है तो आप उस एप्लीकेशन को ट्राई कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वाह जी वाह आजकल के डॉक्टर ये आजकल नहीं है ये तो पुराने जमाने से भी है। मैं तो छोटी सी तब से देखती हुई सच में देखती हुई आ रही हूँ। उसे दीवारों पे बस में कहीं बैठ के जाओ या गाड़ी से जाओ तो दीवारों पे लिखा रहता है डॉक्टर शेख डॉक्टर राज। और इनकी बीमारियों के लिए सच में बहुत ज्यादा ही होती है। जितने बेचारे जो PhD वगैरह इन्होंने की होती है वो भी नहीं कर पाते। मुझे लगता है बॉडी में जितनी सारी बीमारियां होती होंगी वो सारा एक ही डॉक्टर के पास इलाज है उसका बाकी किसी के पास नहीं है। तो अगर आपको भी इनमें से कोई बीमारी हो चले जाना इनके पास जाएंगे वीडियो में उनका नंबर नहीं होगी ऐसे। अच्छा और इसमें फनी एडवर्टीजमेंट कौन कौन से थे। एक तो वो टीचर वाला था टीचर वाला वही NUTU नटूरे वो तो पुराना हो गया क्या लेकिन वो अच्छा है। हाँ वो अच्छा तो है। और एक वो था कि मैथ्स से पीड़ित होने से बचे हाँ है ना इनके एडवर्टीजमेंट। और वो तमिलनाडु वाला बड़ा एक्चुअली में तमिलनाडु उसको कुछ और स्पेल करते होंगे ना तो इसलिए इन्होंने ऐसा फनी बना दिया। और बहुत सारे थे टीचरों की जो उन्होंने शायरी जो लिख रखी थी अपने बोर्ड पे बाहर वो बहुत अच्छी थी कि ऐसा पढ़ाएंगे कि वैसा पढ़ाएंगे गधे को भी दो दिन में PO बना देंगे गजनी वाला के ऐसा पढ़ाएंगे मतलब ऐसा पढ़ाते हैं कि गजनी को भी सब याद रहता है गजनी को भी सब याद रहता है गजनी को नहीं भूलता। और वो जो वो दे रहे थे क्या बोलते हैं एक वार्निंग दे रहे थे कि एक भी क्लास छोड़ के देखो तो बताइए ऐसे तो बच्चा ही नहीं जाएगा जब तुम पहले ही इतनी वार्निंग दे रहे हो तो ट्यूशन में क्या ही होगा। और कुछ पेरेंट्स हो सकते हैं जो कि अपने बच्चे को वहां पे भेजते हैं कि हां जो अपने बच्चों से परेशान रहते हैं कि ज्यादा खेलता है या बाहर घूमता रहता है वो ही भेज सकते हैं अपने बच्चों को उधर। सो गाइस इसका ओरिजिनल लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं कमेंट भी कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।